नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हरियाणा सरकार राज्य में एक नया जिला बनाने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, चरखी दादरी के बाद अब गोहाना प्रदेश का 23वां जिला बनने जा रहा है और गोहाना को 1826 में तहसील का दर्जा मिला था। हालांकि सालों पहले गोहाना उपमंडल भी बन चुका था, लेकिन अब बारी थी जिला बनने की। लोगों की मांग अब पूरी होती दिख रही है। और हरियाणा का मानचित्र एक बार फिर बदलने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जल्द ही अब 23वां जिला होने वाला है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन गोहाना को जिला बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। और अगर गोहाना जिला बन जाता है तो ये प्रदेश का 23वां जिला होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अपने पहले कार्यकाल में भी मनोहर सरकार ने चरखी दादरी को जिले का दर्जा देकर हरियाणा के मानचित्र को बदला था, तो दूसरी पारी में भी नए जिले का जन्म होना तय माना जा रहा है, क्योंकि गोहाना को जिला बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल गोहाना को जिला बनाने की मांग बहुत पहले से यहां के लोग कर रहे थे, यहां तक कि कई नेताओं ने चुनावी वादे भी किए थे। अब हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोनीपत के DC अंसज सिंह को गोहाना को नया जिला बनाने की कवायद शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि जनता ने जनहित और प्रशासनिक हित में ये मांग उठाई है, इसलिए गोहाना को जिला बनाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजें। गोहाना को जिला बनाने का पहला और अंतिम मापदंड प्रशासनिक सुविधा, जन सुविधा और ऐतिहासिक महत्व भी होना चाहिए। सोनीपत जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर गोहाना को नया जिला बनाया जाता है तो उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र होने चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्ताव भेजा जाए। दरअसल अभी गोहाना सोनीपत जिले का ही हिस्सा है। गोहाना, गन्नौर, खरखोदा, राय, बरौदा और सोनीपत विधानसभाएं हैं। अगर गोहाना जिला बनता है तो इन 6 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा सीट गोहाना में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा भी सरकार ने जिला उपायुक्त से कई जानकारियां मांगी है जो जिले के लिए जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है, इसकी रिपोर्ट DC से मांगी गई है। इसके अलावा कुल विधानसभा, उनकी संख्या और नाम, कुल सब डिवीजन, उनकी संख्या और उनके नाम, सब तहसील, उनके नाम और उनकी संख्या, तहसील और ब्लॉक के नाम और उनकी संख्या, कुल नगर निकाय, नाम और उनकी संख्या। अगर इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो गोहाना को ब्रिटिश शासन के समय से ही 1826 में तहसील का दर्जा मिला था। लंबे अरसे पहले गोहाना उपमंडल भी बन चुका था। पूरे 190 साल बाद गोहाना तहसील अब जिला बनने की राह पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं और सोनीपत से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? DC को लेटर लिखा गया है, क्या हो सकता है आगे, क्या कदम उठाए जा सकते हैं गोहाना को एक अलग जिला बनाने के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस को लेकर जो है वो प्रपोजल जो है वो मांगा है, यानी कि प्रस्ताव मांगा गया है सरकार की ओर से। और ऐसे में डेप्यूटी कमिश्नर को जो है ये लिखित रूप में पत्र जो है भेजा गया है चंडीगढ़ से, जिसमें साफ तौर पर जो जो चीज़ें अभी बताई गई हैं, जिस तरह से जो तय आंग एक मापदंड रहते हैं जिला घोषित करने को लेकर, उन पर कितना खरा उतरता है, वो तमाम आंकड़े जो हैं उन पर क्या कुछ जो है वो तस्दीक की जाती है, क्या कुछ भेजा जाता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर पर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जाहिर सी बात है आयुष, कहीं ना कहीं कदम बढ़ाया गया है कि गोहाना को जो है एक अलग पहचान दी जा सके। हरियाणा के अगर बात करें 22 जिलों में से, जिस तरह से अब एक नए जिले बनने की तैयारी की जा रही है, गोहाना को नया जिला घोषित किया जा सके, ऐसे में यह पत्र जो लिखा गया है इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि लोगों की लगातार ये मांग थी, लोग लगातार इस मांग को उठा रहे थे और कहीं ना कहीं तमाम तरह के आंकलन करने के बाद ही सरकार के द्वारा यह फैसला जो है वो किया गया होगा। इसीलिए यह पत्र जो है वो भेजा गया है, कॉन्फिडेंशियल पत्र है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, चाहे वो जनगणना
जनगणना के आंकड़े हो, सब डिविजन्स की बात हो, तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर जो है वो मांग की गई है कि आप तमाम आंकड़े जो है वो अपने प्रपोजल में पूरी तरह से सुनिश्चित कर भेजें। तो ऐसे में कदम है गोहाना को जिला घोषित करने से पहले कहीं ना कहीं पूरी जो एक फॉर्मेलिटीज रहा करती है, जो भी मापदंड है उनको पूरा किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। सोनीपत के डीसी जो है वो ये तमाम चीजें जो है उनसे ये मांगी गई है। अब देखना ही होगा ये प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाती है, कब तक ये आंकड़े जो है सरकार को भेजे जाते हैं, प्रस्ताव कब तक भेजा जाता है और क्या कुछ जो है कितनी जल्दी जो है इस प्रस्ताव पर काम करते हुए सरकार जो है वो गोहाना को जिला घोषित करने का काम करती है। जी यकीन सनी मलिक हमारे संवाददाता सोनीपत से भी लगातार हमारे साथ बने हैं। सनी, गोहाना के लिए एक अलग जिला बनना कितना जरूरी है, ऐतिहासिक लिहाज के साथ साथ उसकी जिले की खुद की जो जरूरतें हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से और जो बुनियादी जरूरतें हैं। जी आयुष, मैं आपको बता दूं सोनीपत से जो गोहाना की जो दूरी है वो लगभग 36 किलोमीटर की है। यहाँ से जो तहसील है, जो कोर्ट्स हैं, जो लघु सचिवालय है वो सोनीपत में स्थित है, पुलिस लाइन सोनीपत में स्थित है। तो वहाँ के लोगों को यहाँ आना पड़ता है लगभग 36 किलोमीटर का सफ़र तय करके। तो वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है गोहाना का वो बहुत बड़ा है, 87 गाँव वहाँ पर आते हैं। तो लगातार जो ग्रामीणों की मांग थी कि गोहाना को एक अलग जिला बनाया जाए ताकि वहाँ के SP और DC वहाँ पर मौजूद हो और उनकी समस्याएं सुन सके। लेकिन लगातार 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, इस मांग को लंबित है। लेकिन मनोहर लाल सरकार जब दोबारा बनी है तो दोबारा से ये मांग उठी है और अब सोनीपत के जो DC है उनको एक प्रस्ताव भेजा है सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ ने, कि क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनीपत DC कब तक ये जो प्रस्ताव है ये चंडीगढ़ प्रस्ताव कब तक मंजूर होता है, ये बेहद ज्यादा अहम है। गोहाना के लोगों की क्या राय है, क्या मांग है, उनका क्या कहना है, एक बार उनकी राय सुनिए, गोहाना के लोग क्या कहते हैं। काफ़ी लोग परेशान है, काफ़ी दूर से आना पड़ता है, सोनीपत आने में टाइम लग जाता है, दिक्कतें होती है, संख्या यहाँ ज़्यादा है, भीड़ तकलीफ़ होती है सबको काम कराने में। जिला बन जाएगा तो वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, अच्छे से आदमी का काम होगा। गोहाना अगर जिला बन जाए तो बहुत सहूलियतें हो जाएंगी, जो मतलब क्या है कि आम जनजीवन के लिए बहुत सुविधा रहेगी, उस चीज़ के लिए जो इतनी दूर दूर से आदमी को जाना पड़ता था उसके लिए उसकी आसानी रहेगी। भाषा बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, गोहाने को जिला बनाते हैं तो क्योंकि बहुत ही सुविधा मिल रही है लोगों ना, बाहर आने जाने में तकलीफ, जो भी कचेड़िया का जो भी काम हो सारे बढ़िया तरह हो जाएंगे, सही अच्छी चीज़ है। जो कर तहसील गोहाना बन जाता है जिला और विकास भी होगा गोहाने का अलग से, और जगर ये अत्याचार वगैरह ये हो सिक्योरिटी भी मिलेगी, पुलिस की बढ़ोतरी भी हो, फिर पुलिस लाइन बने पास से बहुत बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी इसमें। अच्छी बात है जी, गोहाने के लिए गोहाना का उद्धार हो जाएगा, गोहाने में सुविधाएं हो जाएंगी, जो सोनीपत आवागमन वगैरह रहता है लोगों का कोर्ट में तहसील में सब गोहाने में हो जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी, रोड वगैरह का विकास होगा। जी गोहाना के लोगों को उम्मीद है कि जब एक नया जिला गोहाना बनेगा उनसे उनकी बुनियादी दिक्कतें खत्म होगी, जो प्रशासनिक कामकाज से लेकर तमाम दिक्कतों के लिए उनको जिले में जाना पड़ता है वो दिक्कतें खत्म होगी। विपिन परमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हैं। विपिन, ये प्रस्ताव भेजने के लिए यहाँ पर कहा गया है, लेटर लिखा गया है, प्रशासनिक कामकाज एक लंबा प्रोसीजर जरूर होता है, लेकिन क्या जो नया साल आने वाला है 2020 वो गोहाना के लिए बेहद अहम होने वाला है, ये उम्मीदें 2020 में पूरी हो वाली हैं? देखिए संभावना है और संभावना यही है कि हो सकता है कि नए साल का तोहफा जो है मनोहर सरकार जो है गोहाना वासियों को दे, लेकिन देखना यही होगा कि प्रशासनिक अमला जिस तरह से अब ये सोनीपत DC को ये पत्र गया है प्रस्ताव भेजने को लेकर, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो मापदंड है इनको कब तक पूरा किया जा सकता है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कब तक पूरा किया जाता है, क्योंकि पेपर वर्क है, इसी के साथ साथ वो तमाम आंकलन करने हैं, आपको जियोग्राफिकली भी तमाम चीज़ें देखनी है कि कौन सी विधानसभाएँ हैं जिनको जिला अगर बनाया जाता था उसमें शामिल किया जाएगा और किस तरह से जो प्रॉक्सिमिटी खत्म, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आम जनता की यही रहती है, जब जो डिस्ट्रिक्ट अगर दूर होती है तो तमाम कार्य हैं, चाहे वो तहसील के कार्य हैं, चाहे कोर्ट्स के कार्य हैं या पुलिस से रिलेटेड कोई कार्यालय हैं, तो वो तमाम चीज जो है वो कार्यालय जो है वो दूरी पर होते हैं, तो ऐसे में लोगों को जो है सफर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लाजमी सी बात है कि एक फोकस सरकार का भी हो जाता है, क्योंकि जब जिले की बात आती है तो डेवलपमेंट उसी हिसाब से जो है वो जिले की होती है। ऐसे में
एक इनिशिएट जरूर किया गया है, पत्र जरूर लिखा गया है सरकार की ओर से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब कब तक इस प्रस्ताव को बनाकर जो है वो चंडीगढ़ भेजता है, और चंडीगढ़ में इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद कब तक इसकी घोषणा होती है ये वक्त तय करे। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सनी मलिक हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़े हुए हैं। सनी, 2022 अहम होने वाला है गोहाना के लिए, लेकिन कितनी बुनियादी दिक्कतें खत्म होंगी एक नया जिला बनने से? इसके साथ साथ एक बड़ा पहलू ये भी है कि क्या जब नया जिला बनेगा उससे राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलेंगी, किसी के हक में जाएंगी, किसी के खिलाफ जा सकती है? जी आयुष, मैं आपको बता दूं, गोहाना को जो सबसे बड़ा जो राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ कहा जाता है। अभी जो मौजूदा विधायक है गोहाना से कांग्रेस के हैं, बड़ौदा से भी कांग्रेस के हैं, लेकिन अगर जो परिस्थितियां बदलेंगी और जो जिला घोषित करेगा किया जाएगा गोहाना को, उसके बाद जो परिस्थितियां वो बदलना लाजमी है। अभी जो दो विधानसभा क्षेत्र गोहाना उपमंडल में आते हैं, एक बड़ौदा और एक गोहाना, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या खरखोदा या फिर एक अन्य जो विधानसभा है उसको गोहाना के अंदर जोड़ा जाएगा। हालांकि बड़े स्तर पर पहले भी मांग उठती रही है गोहाना को अलग जिला बनाया जाए, वहां पर डीसी बैठे, एसपी बैठे, ताकि जो लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको वो सुन सके, क्योंकि आज जो 36 किलोमीटर का फासला होता है वो बहुत बड़ा होता है ग्रामीण आंचल के लिए आयुष, तो वहीं जो निपटारा है वो उनकी समस्या का हो पाएगा। जी आयुष, सनी जो लोगों की मांग है, लोगों का यही कहना है कि जो प्रशासनिक कामकाज के लिए उन्हें काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है वो दूरी कम होगी और विकास की रफ्तार गोहाना में और ज़्यादा तेज़ होगी, ये उनका पक्ष है। जी आयुष, अगर जो हम जनता की बात करें तो जनता पहले भी मांग करती आई है कि गोहाना को अलग जिला बनाया जाए, क्योंकि गोहाना ग्रामीण आंचल का क्षेत्र है। बड़ौदा और गोहाना जो विधानसभा है वहां पर ग्रामीण 87 गांव आते हैं पूरी गोहाना विधानसभा क्षेत्र में, तो लोगों का लाजमी है कहना कि गोहाना को जिला घोषित करा जाए, सोनी डीसी वहां बैठे, एसपी वहां बैठे, तो लोगों की जो जन समस्या है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। चलिए सनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। गोहाना को नया जिला बनाने की मांग एक लंबे अरसे से चल रही है और अब ये मांग लगभग पूरी होती से दिख रही है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें लगातार जारी है, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे ठंड के प्रकोप की खबर।